मान मान मैं को मत छोड़ मान मैं को मत छोड़ दास जोड़ दे आओ लक्ष्य होता है मैं को समाप्त कर देना। जब मैं समाप्त हो गया तो मेरा भी समाप्त हो गया, फिर तू भी समाप्त हो गया, तेरा भी समाप्त हो गया, झगड़ा खत्म। तो कृपालु कहता है पागलों के बकवास में न पड़ो, मैं को समाप्त मत करो, इतना बढ़िया मैं अनाद काल से हमारा साक्षी रहा है, उसको छोड़ दो, गंदी बात, मैं रखो और मैं को ही न रखो उसमें और एक जोड़ दो, मैं दास हूँ। हाँ माइनस मत करो, प्लस करो, मन मैं को मत छोड़ दास जोड़ दे श्याम को
समझ सके सबको। श्याम सुंदर की समझ से ही श्याम सुंदर को कोई समझ सकता है। जिसको समझना हो उसके बराबर लेवल की बुद्धि चाहिए उसको समझने के लिए। जैसे संसार में कोई एमए पास है तो एमए पास की नॉलेज की बुद्धि जिसकी हो वो उसको परख सकता है। जो एबीसीडी नहीं जानता वो बेचारा एमए वाले की क्या परीक्षा लेगा, कैसे समझेगा। तो श्याम सुंदर को समझने के लिए श्याम सुंदर की ही बुद्धि चाहिए और कोई बुद्धि पर्याप्त नहीं। तो चाहे करोड़ों सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि इकट्ठा कर लो, सब लिमिटेड है, सीमित है। तो सीमित बुद्धि से असीम को नहीं नापा जा सकता। प्राकृत बुद्धि से दिव्य पर्सनैलिटी को नहीं ग्रहण किया जा सकता। अगर आपकी प्राकृत बुद्धि श्री कृष्ण को समझ ले तो इसका मतलब ये होगा कि या तो श्री कृष्ण प्राकृत है या तो आपकी बुद्धि दिव्य है। दो में एक बात सिद्ध होगी। तो आप अपनी बुद्धि को तो जानते हैं कि प्राकृत है, तो फिर जिस श्री कृष्ण को आपने समझा है वो श्री कृष्ण दिव्य नहीं होगा, कोई प्राकृत होगा, मटेरियल मैन होगा। तो दिव्य बुद्धि से दिव्य सत्ता का ज्ञान होता है, प्राकृत बुद्धि से प्राकृत वस्तुओं का ज्ञान होता है। और मेरी राय तो ये है कि प्राकृत बुद्धि से प्राकृत वस्तु का भी पूरा पूरा ज्ञान असंभव है। क्यों? देखो आज सारी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं प्राकृत वस्तु के ज्ञान के लिए, लेकिन नहीं समझ सके। एक छोटे से तिनके को नहीं समझ सके कि ये कैसे बना। आज रीजन क्या है, बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता अब ये कहते हैं कि ये जो कुछ हम लोग बताते हैं कि एक पहली शक्ति है ऊर्जा शक्ति, वहां से सब कार्य प्रारंभ हुआ है, उसका रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह, फिर उसका रिएक्शन है ऑक्सीजन हाइड्रोजन वगैरह। तो ये जो हम लोग आज कारण बताते हैं इसका भी कोई कारण अवश्य होगा, आज का वैज्ञानिक कहता है। शायद वही भगवान हो शायद वही भगवान हो, क्योंकि प्रकृति का जो रीजन है वो परमात्मा है। ये सृष्टि जो हुई है भगवान से प्रकृति, फिर महान, फिर अहंकार, फिर पंचकर्मात्रा, फिर पंच महाभूत, फिर विश्व बना। तो इसका पहला रीजन तो भगवान है। तो किसी मटीरियल वस्तु का आज रीजन अगर कोई जानने की इच्छा करेगा तो भगवान तक जाना पड़ेगा, और भगवान को जान नहीं सकता विज्ञान जो प्राकृतिक विज्ञान है उसके द्वारा। इसलिए इनके का भी पूर्ण परिज्ञान कोई मटेरियल मैन नहीं कर सकता कभी भी। वो बीच से करेगा लेकिन प्रारंभ भगवान से है, और भगवान की रिसर्च तो जिस प्रकार होती है शास्त्र वेद के अनुसार वैसे ही करनी पड़ेगी, वो तो भक्ति के द्वारा काम बनेगा। तो श्याम सुंदर को श्याम सुंदर की समझ से ही समझा जा सकता है। श्याम समझ सो श्याम को, समझ सके सब को। गधा भी समझ सब को, कौआ का कुसुंडी वो भी समझ गए, लेकिन समझ मिले श्याम सुंदर की तब। अरे श्याम समझ सो श्याम को, समझ सके सब कोए। और श्याम समझ तब मिलाई जब, श्याम समझ वो कैसे मिलेगी, तो श्याम समझ तब मिलाई जब समझ समर्पित होए। श्याम समझ
तब मिलाई जब समझो समर्पित हो। ये गोबर गणेश जो तुम्हारे पास समझ है इसको श्याम सुंदर कहते हैं हमको दे दो और हमारी बुद्धि ले लो, कितना सस्ता सौदा है। लेकिन हम लोगों ने शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अनंत बार संसार को दिया, माँ को बाप को बेटे को स्त्री को पति को दुनिया को, केवल भगवान को नहीं दिया। क्या दुश्मनी है, सबको दे दिया हमने, हर जन्म में देना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं भाई देखो संसार वाले तो तुम्हारी कोई भी चीज लेंगे तो देख के समझ के परख के। एक लड़की की शादी करते हैं, आप लोग कितने इंटरव्यू होते हैं, ये लड़की काली है, ये छोटी है, ये मोटी है, दुनिया भर की परीक्षाएं होती हैं। भगवान कहते हैं भाई हम तुम्हारे पास जैसी गोबर गणेश बुद्धि है दे दो, बस हमको अच्छी बुद्धि नहीं लेना, तुम्हारे पास जैसी है दे दो, उस अच्छी को मैं खराब को मैं अच्छी कर दूंगा। जैसे कुबरी शरीर को सुंदरी बनाया, ऐसे तुम्हारी कुबरी बुद्धि को भी मैं सुंदरी बना दूंगा, दे दो। लेकिन अभी तक तो हम लोगों ने कुछ निश्चय किया नहीं, सोच रहे हैं। तो श्याम समझ तब मिलाई जब समझ समर्पित हो।